मुझे ये तो एक्स्ट्रा स्वीट है। तुमने और इस छुटकू जंगली ने खूब हिम्मत दिखाई। यार ये हमारे बड़े काम आएगा, ऐसे हमें दे दो और बदले में ये थोड़ी थोड़ी बाजा ले लो। नहीं नहीं, स्पॉट सौदा करने के लिए नहीं है। मेरे पास आओ स्पॉट, जल्दी आओ। तुम्हारी मर्जी। यह तो बहादुरी का निशान है, बाद में देखकर प्राउड वाली फीलिंग आएगी। छठ पे देसा निशान। और ये देख, 15 लफंगस स्टेगोसॉरस के साथ पंगा हुआ था। साइज में मुझसे बड़े और धुलाई में चक दे फट्टे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरा मुक्का उनका मुंह, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। फिर एक ने अपनी काटेदार पूछ पैर में अटकाई और पैर खींच लिया। आज तक ये पंजा सुन्न पड़ा है। पंजा तो तेरा तब सुनवा था, दिमाग तो बचपन से ही सुनना है। ओए मुझसे जलती है। अरे जा। एक बार ना भैंसों के झुंड की भगदड़ में मैं मिडिल में अटक गई थी। मेरे ना पूछ बड़ा पत्थरों के बीच में फंस गई थी। मतलब मैं तो डैडी थी, पर मैंने दिमाग लगाया और काट दी पूछ। लो जी, ये कोई बात हुई? अपनी पूछ काट ली। सारी किस्सा था ना। कहीं की सोचो, अगर पूछ की जगह जबान फंस जाती तो। बच अंकल, आपको ये निशान कैसे लगा? पता नहीं तू ये किस्सा बचा भी पाएगा या नहीं। आप सुनाइए तो। हाँ, पापा जी इसे भी सुनाइए ना, वो नंबर वन स्टोरी है। उन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। 5 दिनों तक मैं प्यासा पटक रहा था, फिर मुझे चमक दिखी तलहटी के तालाब की। मैं जैसे ही पानी पीने चुका, एक मगरमच्छ कूद कर मुझ पर चपटा। एक ने मेरे मुंह पर काटा, उस दिन वो मेरा लंच कर ही लेते। लेकिन एक बात तय थी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था। एक मगरमच्छ के 2 टुकड़े किए, दूसरे को पूंछ से पटका और तीसरे को मैंने उसे उसी तालाब में डुबो दिया। देखो, कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाने। I love that story। पापा जी से निशानी दिखाओ। पापा जी कितने स्ट्रॉन्ग है। पापा जी आज तो छूने दो। नहीं ओए। आपको मेरे पापा से मिलकर अच्छा लगता, वो किसी से नहीं डरते थे। काश मैं आप जैसा नहीं डरता। किसने कहा मैं डर नहीं लगता? आपने तो मगरमच्छ को मारा था। हाँ, लेकिन डर तो लगा था। मगर मैं तुम्हारे चेहरे को काट रहा हूँ और तुम डरो ना, मतलब तुम जिंदा नहीं हो। गल सुन पुत्र, डर से हम दूर नहीं भाग सकते। ये तो कुदरत का कानून है और उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हमेशा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत पहचानो। पहली बर्फबारी इस साल जल्दी शुरू हो गई। मुझे मम्मी के पास जाना होगा। फिक्र ना करें, तू घर जरूर पहुंचेगा। क्या वादा निभाएंगे, सुबह होते ही निकलेंगे। चलते रहो। ओए सुन पुत्र, उन्हें उस तरफ से अंदर कर, वरना फिर से भाग जाएंगी।